गुड मॉर्निंग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस पार्ट का नाम जो चल रहा है बेटा आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसमें आपने जन आंदोलनों के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ा, उसके कारण पढ़े, जम्मू कश्मीर की मूल समस्या उसके बारे में अध्ययन किया था हमने इसमें। आज इसमें बेटा थोड़ा सा जो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पूर्वोत्तर, हमने पूर्वोत्तर की बात की थी कि जब असम को काट करके मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश वगैरह राज्य बनाए गए थे, तो उनके कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है आज वहाँ के लोगों के ऊपर हावी है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में जो है सबसे पहला मुद्दा है बेटा क्षेत्रीय आकांक्षा। वहाँ पे जो है अपने क्षेत्र के लिए जो है अलग आओ, मतलब क्षेत्र के प्रति जो है मतलब अलग क्षेत्र की मांग जो है ज्यादा जोर पकड़ती है। यहाँ के प्रत्येक सबसे बड़ा मुद्दा है क्या है, स्वायत्तता चाहते हैं कि मतलब अपना कानून होना चाहिए, अपना संविधान, मतलब छूट चाहिए, स्वायत्तता, ठीक। अलगाववादी आंदोलन, जो लोग बाहर से आते हैं उनके खिलाफ आंदोलन, ये जो है पूर्वोत्तर की राजनीति में जो है सबसे ज्यादा हावी मुद्दे माने जाते हैं। फिर है क्षेत्रीयतावाद, यानी कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, तो अपने देश की तुलना में, क्षेत्रवाद की अगर हम परिभाषा दें, अपने क्षेत्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य के प्रति लगाव होना या अपनी भक्ति दिखाना, देश के प्रति न होकर के अपने क्षेत्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति अपनी भक्ति को दिखाना, ये क्षेत्रवाद की, इसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। और ये इसका उद्देश्य क्या होता है, क्षेत्रीय स्वार्थ को पूरा करना होता है, ठीक है बेटा। अब स्वतंत्रता, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के जो राजनेता थे, भारत का नेतृत्व जो था उस समय का, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही होंगी, किन किन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया। तो बेटा सबसे पहली चुनौती थी इनमें कि भाई भारतीय जो जितने भी भारत में रजवाड़े हैं, अलग अलग बहुत सारे रजवाड़े थे, 600 रजवाड़े भारत में लगभग, तो उनको जो है एक करने में जो है बड़ी समस्या थी कि किस तरह से जो है इनको भारत संघ में इनका विलय किया जाए, किस तरह से इनको भारत में शामिल किया जाए। फिर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस तरह के जो संबंधों का निर्धारण किस तरह से किया जाए, ये भी जो है एक बड़ी अपने आप में चुनौती, ठीक। उसके बाद ठीक है बेटा, अगला फिर क्या था भारतीय राजनीति, अगला क्वेश्चन है। वैसे तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भी, इस देश को किस तरह से निर्माण होगा, किस तरह से जो है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हमारे देश में होगा, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो है हमारे भारत में जो है हिंदू मुस्लिम दंगे, इस तरह से बड़ी समस्या थी कि इतनी बड़ी देश को जो है एकता के सूत्र में किस तरह से बांधा जाएगा, प्रजातंत्र की स्थापना होनी है तो किस तरह से होगी, ये बड़ी चुनौतियाँ हमारे देश के नेतृत्व के सामने रही, ठीक है बेटा। अब है 1956 में राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन करने का क्या कारण, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसका मुख्य कारण ये था 1956 में कि लोग जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग की जा रही थी, ठीक। इससे क्या हुआ कि पूरे देश में जो है असंतोष की भावना पैदा होने लगी, सभी लोग जो है इससे क्या होता है क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, और इससे क्या हुआ कि देश का जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाने का जो है खतरा उत्पन्न हुआ। भाई भाषा के आधार पे जो है जब बंटवारा किया जाने लगेगा कि वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे तमिल बोलते हैं, वहाँ पे उर्दू बोलते हैं, वहाँ पे ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो इस तरह से जो है विशेषज्ञों को लगने लगा कि अब जो है देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इससे क्या हुआ, क्योंकि क्षेत्रीय भावनाएं बढ़ेंगी, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली बोली जाएगी उसी को महत्व, सब लोग अलग अलग क्षेत्र की मांग करने लगेंगे, जैसे कि आजकल आप पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की राजनीति में जो मुद्दे देखते हैं, कश्मीर की स्वायत्तता के लिए आज़ादी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह की मांगे क्या है, ये कारण थे कि राज्य पुनर्गठन का यही कारण था कि तब उन्होंने जो है भाषा के आधार पर भी राज्य बनाए, जो भी था संस्कृति के आधार पर भी राज्य बना, ठीक है बेटा। इस तरह से क्षेत्रीयतावाद ने जो है केंद्र राज्य संघर्ष को जन्म किस प्रकार दिया बेटा, देखो
सबसे पहला, केंद्र से अधिक से वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए राज्यों ने केंद्र के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग अपनाया, ताकि जो है केंद्र से अधिक सहायता प्राप्त हो सके। कई बार विवादों का समाधान में राज्यों ने केंद्र के निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि भाई माना मुझे उत्तराखंड ने मांग की, या किसी भी अन्य राज्य ने केंद्र से जो है सहायता की मांग की या योजनाओं की मांग की, तो केंद्र सरकार ने जो उनको बोल दिया कि भाई अभी नहीं हो पाएगा या इतना हो पाएगा, तो राज्य ने उसको मानने से इनकार भी कर दिया। तो इस तरह से जो है फिर अनुसूचियाँ बनाई गई, सूचियाँ बनाई गई, संवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इसमें जो है अलग अलग विषयों को तब इसमें रखा गया। तो इस तरह से जो है अब पूर्वोत्तर के राज्यों में तीन मुद्दे कौन कौन से हैं, पहले भी बता चुके हैं, स्वायत्तता की मांग, अलगाव आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध, ये पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीति में जो मुद्दे इस समय हावी हैं ये है। ठीक है बेटा, क्षेत्रीयता के संबंध में भूमिपुत्र की धारणा क्या है। भूमिपुत्र धारणा की धारणा से आशय यह है कि किसी राज्य में निर्वाचनों द्वारा उस राज्य में बसने तथा रोजगार प्राप्त करने के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग। 1979 के मध्य में असम में विदेशियों के विरुद्ध जो व्यापक आंदोलन चलाया गया, उसे कुछ सीमा तक भूमिपुत्र की धारणा पर आधारित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब यह है कि किसी राज्य में या क्षेत्र के निर्वाचनों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने के संरक्षण में विशेष संरक्षण की मांग। तो ये मतलब कहने का कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनको वरीयता दी जाए, बाहर के लोग जो आए हैं उनको क्यों वरीयता दी जाए, इस तरह की जो भावना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना।